हाय फ्रेंड्स, टेंट सेटर में आपका भरे दिल से स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं जिंदल स्टील्स एंड पावर, जिस जो आपको मेटल सेक्टर से बिलोंग करता हुआ एक दिग्गज स्टॉक, एक वन ऑफ द इंडियन लीडिंग स्टील प्रोडक्शन स्टॉक दोस्तों, जो आने वाले टाइम में आपको बहुत ज़्यादा रिटर्न देने वाला है, क्योंकि मेटल स्टॉक रिकवर कर रहा है। जैसे जैसे चाइना से ग्लोबली न्यूज़ आएगा, मेटल का डिमांड बढ़ेगा, क्योंकि चाइना में आपको पता ही है क्या, अभी मेटल प्रोडक्शन में ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट अगेंस्ट में है, क्योंकि वहाँ ज़्यादा कार्बन रिलेटेड आपको एनवायरमेंटल पोल्यूशन कर रहा है। तो वो पोल्यूशन को रोकने के लिए वो इंपोर्ट करने पे जोर दिया है, और इंपोर्ट सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट इंपोर्टर है इंडिया। तो इंडिया में सबसे बड़े बड़े कंपनी टाटा स्टील हो गया, जिंदल स्टील हो गया, सेल हो गया। तो जिंदल स्टील, अब टाटा स्टील तो बहुत ज़्यादा भाग चुका है, तो उस हिसाब से जिंदल स्टील उतना नहीं भागा है। तो आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है कि आप इस स्टॉक को बाई करके शॉर्ट टर्म में एक बहुत अच्छा रिटर्न कमा सकते हैं। तो आप अपना फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करके आप इसी स्टॉक पे पोजीशन बना सकते हैं। मार्केट कैप आपका देखो तो बहुत अच्छा, बहुत बड़ा है, 40 करोड़ के आसपास मार्केट कैप है। बुक वैल्यू 349 है। डिविडेंट प्रोवाइड करता है, लेकिन कम डिविडेंट प्रोवाइड करता है दोस्तों। ROC 21 का है, ROE रिटर्न ऑन इक्विटी भी 17% का है, तो ऐसे बहुत अच्छा माना जाता है दोस्तों। अभी हम चार्ट में देख सकते हैं, वन ईयर का चार्ट में, जैसे कि देख सकते हो। अब देखो, आपको ये मैं लेके चलता हूँ, तो सीधा सीधा आपको 556 आपका आता हुआ दिखाई दिया है। तो यहाँ पे एक बहुत ज़्यादा गैप अप होगा दोस्तों, बहुत ज़्यादा गैप अप हो गया। मिनिमम आपको अगर आप वन मंथ होल्ड करोगे तो 550 का टारगेट आता हुआ दिखेगा, क्योंकि जैसे जैसे रिकवरी इतना तेज़ी से रिकवर कर रहे हैं, क्योंकि मेटल सेक्टर जब भी ये साइक्लिक है, तो जब भी रिकवर भी करता है तो बहुत तगड़ा रिकवर करता है, और गिरता भी तो आप देख सकते हो कि 556 के लेवल से बहुत तगड़ा गैप डाउन होता है। तो ऐसे ही दोस्तों, इस चार्ट में सीधा सीधा आपको दिखाई दे रहा है कि रिटर्न एक बहुत अच्छा कमा के देगा। कंपनी डेप्थ को रिड्यूस किया है, और बुक वैल्यू के ऊपर थोड़ा ट्रेड कर रहा है। CAGR देखो 38% है, तो बेस्ट स्टॉक है अभी होल्ड करने का दोस्तों। जैसे मैं बोलता आ रहा हूँ कि कंपनी का डिलीवरी गुड प्रॉफिट ग्रोथ है, 38.37 CAGR ओवर लास्ट 5 ईयर्स का है, और सेल्स ग्रोथ देख सकते हो, जून का इसका रिजल्ट आ चुका है। जो सेल्स ग्रोथ है 1000 करोड़ कम हुआ है, क्योंकि आपको पता ही है वार्ड के चलते थोड़ा कम हुआ है। एक्सपेंस भी उस हिसाब से 2 करोड़ कम हुआ है। जैसे जैसे ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपका थोड़ा बढ़ा है, 400 करोड़ बढ़ा है, क्योंकि एक्सपेंस थोड़ा कम कर दिया था। तो आने वाले क्वार्टर में और बहुत अच्छा होगा, और इस रिकवरी डिमांड जितना बढ़ रहा है उस हिसाब से रिकवरी बहुत शार्प रिकवरी होगा दोस्तों। EPS भी आपका 5% बढ़ा है उस हिसाब से। CAGR जैसे बताया हुआ था कि 38% का CAGR है, कंपाउंड ग्रोथ भी सही है, और 3 ईयर्स का 42% CAGR यहाँ दिखाई दे रहा है। रिटर्न ऑन इक्विटी देखो 3 ईयर्स में 11% है। प्रोमोटर का होल्डिंग देखो, गवर्नमेंट भी इसमें होल्ड करके बैठा हुआ था, अभी गवर्नमेंट का होल्डिंग कम हुआ है। DII का 15% है। FII बढ़ाया है माल, FII जून क्वार्टर में अपना स्टैक बढ़ाया है, और सबसे बड़ी बात है कि आदर्स के पास है ही नहीं, पब्लिक के पास जो ऐसा एक स्टॉक है जिसमें इतने सारे लोगों का होल्डिंग है, तो ये अपने आप एक खास बनाता है। पब्लिक के पास 12% के आसपास है, तो बेस्ट स्टॉक है दोस्तों, आपका इसमें पोजीशन होना चाहिए। अभी देख लेते हैं, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर है, एज पर अंडर रेडर में रखने लायक है दोस्तों, और अभी भी 32% फॉल है 52 हाई से। RSI 65 में है, तो बेस्ट टाइम है, और MFI भी 67% है, और 5.5 MACD बुलिश इंडिकेटर को हिट करता हुआ दिखाई दे रहा है, तो बेस्ट स्टॉक है दोस्तों। यहाँ से ये स्टॉक आगे आने वाले टाइम में बढ़ता रहेगा। अभी न्यूज़ देख लेते हैं कि न्यूज़ क्या है। जैसे जिंदल इंडस्ट्री में न्यूज़ भी देखो दोस्तों, बहुत अच्छा अच्छा न्यूज़ आता हुआ दिखेगा आपको, क्योंकि स्टील नियर टर्म में आपका सबसे ज़्यादा डिमांड में है। स्टील इंडस्ट्री उसमें सबसे ज़्यादा आपका पावर सेक्टर जिंदल स्टील एंड स्टॉक है, तो ये बेस्ट स्टॉक है दोस्तों। तो अभी हम देख लेते हैं कि जिंदल स्टील एंड पावर का क्या है दोस्तों चार्ट में।
अभी चार्ट आपको दिखाई दे रहा होगा दोस्तों, देखो कितना शानदार ब्रेकआउट दिया हुआ है। इसको बड़ा करके देख लेते हैं। देखो शानदार इस लाइन पे इसने ब्रेकआउट दिया हुआ है दोस्तों, ये देखो। तो यहाँ से इसने ब्रेकआउट दे चुका है इस लेवल को। अभी सीधा सीधा जो नेक्स्ट टारगेट है दोस्तों, यहाँ तक 450 का, 445 का टारगेट है, और वहाँ पे एक रेजिस्टेंस थोड़ा सा फेल करने के बाद ये और आगे बढ़ जाएगा दोस्तों, अपना 52 हाई की तरफ जाएगा। तो 50 आपका 2 वीक के अंदर ये 450 के आसपास 450 का टारगेट हिट होता हुआ दिखेगा दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।